अगर आप अभी तक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के सीजन 5 से यूज तो हो रहे थे तो अब आपका टाइम खत्म, क्योंकि सीओडी मोबाइल का सीजन 6 आ गया है। इस सीजन का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन रस्ट, और जैसे आपने गेस कर लिया होगा ये एक वेस्टर्न थीम सीजन है और अपने साथ कई नए गेम मोड्स, मैप्स और इवेंट्स ले आएगा। इस सीजन के बैटल पास में आपको आउटलॉ मिलेगी, ये एक पावरफुल बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है जो ब्लैक ऑप्स 4 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये गन टियर 12 पे अनलॉक होगी। टियर 25 पे आपको अनाइलेटर मिल जाएगी जो एक नया ऑपरेटर स्किल है जिससे आप अपने एनिमीज को सिंगल शॉट से मार सकोगे। इसके अलावा आपको कई डेजर्ट और वेस्टर्न थीम कैमोज और स्किन्स मिल जाएंगी। प्रीमियम पास ओनर्स को टियर 1 पे गोस्ट के लिए काउबॉय और आउटलॉ के लिए हीटस्ट्रोक स्किन मिल जाएंगी। टियर 12 पे आप सेराफ के लिए डेस्पराडा स्किन अनलॉक करोगे। इनके अलावा आप ढेर सारे स्किन्स और कैमियोज एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस सीजन के साथ 3 गेम मोड्स भी आ रहे हैं। पहला गेम मोड है कैप्चर द फ्लैग। इस सीजन के वेस्टर्न थीम के साथ मैच करने के लिए इस मोड को गोल्ड पे बेस करा गया है। इसमें आपको एनिमी टीम का गोल्ड चुरा के अपने स्पॉन पे लाना होगा। आपको अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि आप अपने गोल्ड को प्रोटेक्ट कर पाओ और दूसरी टीम का गोल्ड को लूट कर पाओ। अगर आप अपने आप को टीम प्लेयर नहीं मानते तो नया 1v1 मोड आपके लिए बना है। इस मोड में आप और एक और प्लेयर सलून में खेलोगे जो एक नया मैप है जिसे इसी मोड के लिए बनाया गया है। इन दो नए मोड के साथ अब किल कंफर्म मोड भी आ गया है। ये मोड डेथ मैच की तरह है पर इसमें किल करने के बाद प्लेयर्स डॉग टैग्स ड्रॉप करते हैं। आपको ये किल कंफर्म करने के लिए उन डॉग टैग्स को कलेक्ट करना होगा, पर आप एनिमी टीम को स्कोर करने से रोक सकते हो। उसके लिए आपको अपने टीममेट्स के गिरे हुए डॉग टैग्स कलेक्ट करने होंगे। इस सीजन के गोल्ड रश इवेंट में आप किल्स कंफर्म करके गोल्ड बार्स अर्न कर सकते हो। इस अपडेट के साथ गेम में रश मैप भी ऐड किया जाएगा जो एक फैन फेवरेट मैप है। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट मैप है जो हर मैच को बहुत इंटेंस बना देता है। इस मैप में आपको कई शॉर्टकट्स और हाइडिंग स्पॉट्स मिलेंगे, तो इस मैप को अच्छे से जानोगे तो आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। इस एडवांटेज का फायदा जरूर उठाना, क्योंकि रस्ट मैप के लिए एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है जिनको कंप्लीट करने पर आपको M4 के लिए बैंडेड स्किन और बैकपैक के लिए डेजर्ट स्नेक कैमो मिलेंगे। कॉड के बैटल रॉयल मोड के लिए भी कुछ अपडेट्स आए हैं। पहला एडिशन है पोल्टरगाइस्ट क्लास। इस सीजन पर ध्यान रखना क्योंकि एक वीक लॉन्ग इवेंट होगा, इसमें ग्राइंड करके आप इस क्लास को अनलॉक कर पाओगे। ये क्लास गेम को काफ़ी चेंज कर देगा क्योंकि इसका एक्टिव एबिलिटी है क्लोक, जो इसको कुछ टाइम तक इनविजिबल बना देता है। ये और इसका पैसिव एबिलिटी वॉइड वॉकर, जो क्लोक होने के बाद इसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता है, दोनों को मिला के आप अपने एनिमीज को ईजिली फ्लैंक कर सकोगे। इस क्लास को टैक्टिकली यूज़ करने से आप कई सिचुएशन ईजिली हैंडल कर सकोगे। और अब बैटल रॉयल मैप्स में आपको कुछ ट्रेजर मैप्स मिलेंगे, उनको यूज़ करके आप गोल्ड बार माइनिंग साइट घूम सकते हो। यहाँ आपको गोल्ड बार्स मिल जाएंगी, पर ध्यान रखना कि एनिमीज आपको फ्लैंक ना कर पाए। यहाँ पे गेम में अभी गोल्ड रश इवेंट चल रहा है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप किल कंफर्म्ड और बैटल रॉयल से गोल्ड बार्स अर्न कर सकते हो। इन गोल्ड बार्स को एक्सचेंज करके आपको एक्सक्लूसिव इवेंट अवार्ड्स मिल जाएंगे। तो ये थे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीरीज के कुछ नए चेंजेस और एडिशंस। आपको ये वेस्टर्न अपडेट थीम कैसा लगा और क्या क्या देखना चाहोगे आप इस गेम में, उसे आप कमेंट्स में हमें बता दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और फॉलो करना मत भूलना। और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और गेमिंग न्यूज़ के बारे में अपडेटेड रहने के लिए, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या पबजी मोबाइल खेल के पैसे जीतने के लिए, डिस्क्रिप्शन से गेमिंग ऐप डाउनलोड अभी के अभी करें।